मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य पराक्रम और स्वाभिमान की प्रतीक महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के 461वें बलिदान दिवस के अवसर पर आज नरी नैला जबलपुर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गण श्री राकेश सिंह और विजय शाह एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती जी के 461वें बलिदान दिवस पर जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में आयोजित पूर्ण स्मरण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण श्री राकेश सिंह, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कुंवर विजय शाह, श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्ण स्मरण समारोह में घोषणा की कि जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल से होकर गुजरने वाले फ्लाईओवर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती के पराक्रम और सुशासन के लिए किए गए नवाचारों को देश दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की वीरता के सभी प्रसंगों को समाज व दुनिया के सामने लाने की जरूरत है, जिसके लिए हम पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को उद्योगों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने आज रविंद्र भवन भोपाल में विधायक श्री भगवान दास सबनानी द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में सहभागिता की। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम टेटवाल ने दिल्ली प्रवास के दौरान LG होप टेक्निकल स्किल अकादमी का भ्रमण किया तथा वहां युवाओं के लिए संचालित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जानकारी ली एवं उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से संवाद भी किया।